अगर अर्चना की राय में ये तलाक होना जरूरी है तो ये तलाक होगा। मैं तलाक चाहता हूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अरे क्या पागल हो गए क्या तुम दोनों? क्या हो गया तुम्हें? अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लिए तुमने एक दूसरे को छोड़ के एक मिनट भी रहने को तैयार नहीं थे तुम। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे बोल ना बाबा, ये लड़की तो मेरी बात कभी मानती नहीं, लेकिन तू मेरी बात कभी टालने वाला नहीं। फिर आज क्यों चुप है बेटा? बोल ना, बोल बेटा। अरे तलाक रुकवा देना, तलाक रुकवा देने माना, मेरी बात सुनना, आज छोड़ती हूँ। हाय, तू शांत हो जा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कुछ नहीं सही हो रहा है, सब गलत हो रहा है। अर्चु, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कल तुम दोनों ने तलाक के लिए मना कर दिया था, फिर आज क्या हो गया? हमने आपसे कुछ नहीं कहा था, आपने हमारी चुप्पी को गलत ले लिया और कुछ नहीं। मैंने गलत मतलब निकाला? अरे ये तो क्या कह रही है? अरे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मन की हर बात समझती आई हूँ, और अब तो कह रही है कि तेरी बात का गलत मतलब निकाला मैंने। नहीं अर्चु, अर्चु तू झूठ बोल रही है, या फिर किसी दबाव में आकर हाँ कह रही है ना? पिछली बार हम सब तुझे तलाक लेने के लिए कह रहे थे, तब तुमने मना कर दिया, और अब सब कुछ ठीक है, फिर ये तलाक क्यों ले रही है तू? तई देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अदालत ने अपना आखिरी फैसला नहीं सुना है। तुम दोनों अगर चाहो तो अभी इस तलाक को रोक सकते हो। ताई प्लीज एक बार और सोच ले, ताई प्लीज। मानो, मानो ऐसा मत कर, इस तलाक को रोक दे। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ही सही। अरे बेटा, तेरी और अर्चना की जोड़ी पापा ने बनवाई है, उसे तोड़ने का तुम दोनों को हक बिल्कुल नहीं है बेटा। समझ कर रोक दे इस तलाक को, रोक। भाई इन लोग की सारी बातें हैं, ड्रामेबाजी पर आकर क्यों रुकती है? तो छोड़ना, हमें तो विदाउट टिकट फुल टाइम पास देखने को मिल रहा है। जस्ट एंजॉय इट, इसे डिवोर्स तो होने वाला ही है। तब तक देख लो ये मेलो ड्रामा। मेरी बात सुन, ये जो तुम त्याग व्याग कर रहे हो ना, इससे ना तो किसी को कुछ मिलने वाला है और ना ही किसी का कुछ भला होने वाला है। अरे तुम अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को दुखी कर रहे हो। मानव, ये समझदारी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफी है, अपने हाथों से अपनी खुशी का गला घोटना। मानव, तुम ये नहीं कर सकते। मानव, अर्चना, तुम दोनों क्या सोचकर ना बोल रहे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम दोनों का अलग होना इस मसले का हल नहीं हो सकता।
अर्चु बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है? बेटी, ऐसा वो कौन सा रिश्ता है जिसे बनाने के लिए तुम इतने सारे रिश्तों की बलि दे रही हो? अरे बेटी अर्चु, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठ रही हो तुम? जीजू प्लीज, हम आपके बगैर नहीं रह सकते जीजू, हमें छोड़ के मत जाइए। दादा प्लीज, दादा प्लीज, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। मानो प्रॉब्लम क्या है तुम हमें बताओ, हम सब मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। अर्चना, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना? तुम ही कहती हो ना कि सतीश जी आपके पास हर परेशानी का है, तो ठीक है, हम इस परेशानी को भी हल करेंगे। प्लीज मेरी मेरी बातों पर विश्वास करो, तुम लोग इस तलाक को इस तलाक के लिए ना कर दो। मिस्टर माना और मिसेज अर्चना, क्या आप दोनों किसी दबाव में आकर यह फैसला कर रहे हैं? देखिए, अगर आप दोनों को अदालत से और समय चाहिए तो ये अदालत आप दोनों को और समय दे सकती है। अदालत का ऐसा मानना है कि आप किसी दबाव में आकर कोई फैसला ना करें। ये आप दोनों की अहम जिंदगी का एक सवाल है। मानो बेटा, फिर से सोचना, अब तो तू हाँ बोल देना, मत रुला हमें, जब सबने समय दिया है ना, कुछ तो सोच रहे बेटा, ना बोलना। अर्चु, अर्चु कम से कम तू तो मान जा, मना कर दे इस तलाक को अर्चु। ऑर्डर ऑर्डर। तो कहिए मिस्टर मान, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो ठीक है मिस्टर मानव और मिसेज अर्चना, आप दोनों की राय को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर मानव दामोदर देशमुख और मिसेज अर्चना मानव देशमुख का तलाक मंजूर करती है। थोड़ी सी कार्यवाही के बाद आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई, मेरा काम हो चुका, अब आपके घर में मुझसे भी अच्छी बहू आई। और अब मेरा यहां से जाने का वक्त हो चुका है।
जीती रहो बेटी, खुश रहो करके तो तुम्हें आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि मानव से अलग होकर अर्चना खुश रह ही नहीं सकती। काका अपने लक्ष्य ठेवा, और आपको सर्दी हुई है ना, अपनी दवाइयां टाइम पर ले लो। हाँ बेटा, अर्चना क्यों किया तुम दोनों ने इस तरह? पापा अपना ख्याल रखना और शराब मत पीना, आपको मेरी कसम। जरूरत नहीं है झूठा दिखावा करने की, तलाक लेके हमसे रिश्ता तोड़ा और आके पाँव छूती, कोई असर नहीं होगा मुझ पर। अरे पागल थी मैं जो मेरी बहू को बेटी का दर्जा दे बैठी, लगा तू मेरी बात नहीं टालेगी, लेकिन तू अपने जिद पे बहुत अड़ी रही, मेरे विश्वास को तोड़ा तूने, सारी उम्मीदें तोड़ी। अगर तुझे ऐसा लगता होगा तूने बहू के सारे कर्तव्य निभा लिए, अरे बहू के नाते तेरा कर्तव्य था इस घर के सब लोगों को सुख दे, अरे तूने जिंदगी भर हमें दुख दे दिया अर्जुन। और एक ध्यान में रख, बहू के काम में तू फेल हो गई, तेरा मेरा रिश्ता टूट गया, मैं तेरी कोई नहीं। नाम के रिश्ते मत जोड़ मेरे से। जब तूने तलाक लिया उसी वक्त तेरा मेरा रिश्ता ही टूट गया, अब तू कोई नहीं लगती मेरी, न मैं तेरी कोई लगती हूँ। इसे किसने हक दिया हमारे जज्बातों से खेलने का? मैंने इसे अपने दिल दिल में जगा दी, इसने मुझे दुख दिया, अब कोई नाता नहीं है तेरा मेरा। तू चल मेरे घर से चली जा, तू तेरी बैग उठा, चली जा, बैग उठा, चली जा। सविता मेरी बात सुन, तेरी जिंदगी उसका क्या करना वो तेरा फैसला है, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? अच्छा होता मैं तुझ पर विश्वास नहीं करती, जाने तो अब क्या और कैसे बोलू, अब मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, जा तू
अर्चना, ये तलाक नहीं लेके हम शायद जिंदगी भर बहुत खुश रहे, लेकिन लेकिन मैं ठीक से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा अर्चना। मानव, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आपको कभी ऐसे दौर से गुजरना भी पड़े। और वैसे भी मैंने भी तो श्रावणी से वादा किया है ना, तो वो वादा मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मानव, तलाक के बाद हमें बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, सबका गुस्सा, सबकी नाराजगी। मैं ये तक जानती हूँ कि सबको यही लगेगा कि हमने जो कुछ भी किया वो महान बनने के लिए किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल को यही सही लगता है। मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हें पता है, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त भी, जो बिना कहे दिल की हर बात समझ लेती। पता है मुझे हमेशा से क्या लगता था अर्चना, कि प्यार एक ऐसा जज्बात है जिसे रिश्तों का मोहताज नहीं बनना पड़ता। और तुम देखना, कल चाहिए रिश्ता रहे ना रहे, लेकिन जिंदगी भर हमारा प्यार ऐसा ही बना रहेगा। यकीन मानिए बाबा, हमने अपना फैसला कभी नहीं बदला था। हाँ, यह सच है कि उस दिन सुलोचना ही के सामने हम कुछ बोल नहीं पाए, इसकी वजह से सबने गलत समझ लिया। बाबा, अर्चना मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, हम सबकी जिंदगी का वो बहुत अहम हिस्सा है। बाबा, हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि श्रावणी को इस हालत में अकेला छोड़ दे। ये तो धोखा हुआ ना बाबा, वो हमारी जिम्मेदारी। बेटा, फर्ज, जिम्मेदारी, इन सारे शब्दों की अहमियत मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारी बातें प्यार के बलबूते पर बनी रहती है। लेकिन सच्चाई यही है बेटा कि तू श्रावणी से प्यार नहीं करता, तू ये सब श्रावणी के भविष्य के लिए कर रहा है ना। तो मेरी भी एक बात सुन ले बेटा, समझौते के नींव पर बने हुए रिश्तों की कभी उम्र नहीं होती और ना ही कोई भविष्य होता है। अच्छा होता कि मैं यहाँ थोड़ी देर पहले आती, मैं वहीनी को यहाँ से जाने नहीं देती। मैं उनसे विनती करती, उन्हें समझाती, उनके पैरों पर गिर जाती, लेकिन उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देती। श्रावणी के कारण तूने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया, अब आगे क्या?
मानव के बगैर रह सकती है तू? नहीं है, नहीं रह सकती, लेकिन जीना तो होगा ना मुझे। और फिर आप सब लोग हैं ना मेरे साथ। अर्चु, अर्चु आमी आहूं का मानव की जगह तेरी जिंदगी में और कोई ले सकता है क्या? वक्त सारे जख्म भर देता है आई। भाई तुझे याद है जब मैं 3 महीने के लिए मानव के घर पे जाने वाली थी तो हम सब यही सोच रहे थे कि मैं 3 महीने वहां कैसे रह पाऊंगी। लेकिन देख आज मैं वहां 3 महीने रहकर आई हूं। और मैं अकेली नहीं आई, मैं वहां से अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर आई। आई 3 महीने पहले भी हमने हमारा मन बना लिया था ना तलाक के लिए, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं मान चुकी हूं आई कि वो 3 महीने मेरे लिए एक सपने की तरह थे। आप लोग भी अगर ये मान लो तो आसानी होगी। देख तेरी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। यहां तो सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करेगी तू, पर वहां अंदर रात रात भर जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहेगी। तुझे क्या लगता है अर्जुन, तू अपना दर्द मुझसे छुपाएगी? अर्चना, मैंने हमेशा तुम्हारे हर फैसले की कदर की, लेकिन ये फैसला गलत है। इसमें तुम्हें सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ नहीं मिले। अर्जुन तू हमारी बात समझने की कोशिश कर, हम सब तेरी खुशी चाहते हैं और तू आई बता। बस अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटी तुम्हारी इस फैसले से खुश तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं। एक तरफ जहां मैं दुखी हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं, क्योंकि मैं ऐसी बेटी का बाप हूं। पापा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी, बोलो ना पापा। 11 रुपए का प्रसाद बोल के 5 रुपए का चढ़ाती थी, उसकी सजा दी, बोलो ना। दामोदर जी को कितना यकीन था, हमेशा कहते थे पापा करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे। क्या कहा किया बोलो ना। अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो मुझे सजा देते पापा, मेरे बच्चों को क्यों देते? मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम उनसे बात नहीं करेंगे तो मैं किसके साथ अपना दर्द बांटूं? किसकी गोद में अपना सर रख के अपना मन हल्का करूंगा? तेरे सामने ही तो अपना मन हल्का कर सकता हूं। भाई मुझसे बात कर लो प्लीज। मैंने बताया था श्रावणी की जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? श्रावणी की जिम्मेदारी हमने ली थी, फिर आज अपने स्वार्थ के लिए उसको इस समय कैसे धोखा देते हैं? सब तेरे संस्कारों पे उंगली उठाएंगे ना।
सचिन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू बता, तू अर्जुन के सिवा रह सकता है ना? तू रह सकता है ना? इस घर का कोई भी उसके सिवा नहीं रह सकता। दोनों को एक होना पड़ेगा, दोनों को एक होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आई के मेरे लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था। आई जो अपनी जिंदगी की कीमत देकर आई सत्यनारायण की पूजा में, मैंने मानव पर विश्वास नहीं किया था, और जब मानव का पूरा परिवार जेल में गया तो चाहकर भी मानव मुझ पर यकीन नहीं कर पाए। तभी हमारे रिश्ते पर घाव लग चुका था, और ऐसा गांव लगा था आई कि वो कभी भर नहीं सकता था। एक दूसरे पर यकीन ना करने का ही हम नतीजा भुगत रहे हैं अभी आयो, और कुछ नहीं। आई तुझे पता, हम तो जो भुगत रहे वो भुगत रहे, लेकिन हमारे साथ साथ श्रावणी और वंदिता भी भुगत रहे। श्रावणी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वंदिता? हाँ, अगर अगर मैं तलाक नहीं देती ना, तो अजीत और रसिका का की वंदिता की जिंदगी तबाह कर देते। आई मुझे अजीत का फोन आया था। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रुकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना। वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहां वंदिता को मैं आई 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 तू कहां जा रही है? कुछ हिसाब किताब बाकी है, उन्हें पूरा करके आती हूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।